आपसे एक सवाल, एक छोटे से ऑटो में कितने लोग बैठ सकते? नियम के मुताबिक सिर्फ 3 लोग और कभी कभी 4 से 5 लोग भी बैठ जाते। लेकिन अगर हम आपको कहें कि एक ऑटो में 4-5 लोग नहीं बल्कि 27 लोग सफर कर सकते, तो एक बार को तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला ऐसे कैसे संभव हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए, योगी के यूपी में बकरीद के दिन जिला फतेहपुर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां एक ऑटो में 27 लोग सफर करते नजर आए। दरअसल रविवार को जब देश भर में बकरीद मनाई जा रही थी, तो इसी दौरान यूपी के जिला फतेहपुर की सड़कों पर ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर पुलिस वाले तो दंग रह ही गए। सोशल मीडिया पर भी जिसने देखा वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया, क्योंकि ये नजारा ही ऐसा था। एक बेचारा छोटा सा ऑटो जिसमें मुश्किल से 4 से 5 लोग बैठ सकते थे, लेकिन ड्राइवर साहब इतने टैलेंटेड निकले कि इस ऑटो में खुद के साथ 27 लोगों को बैठा लिया और निकल पड़े बकरीद की नमाज अदा करने। लेकिन ये भूल गए कि ये योगी का यूपी है, जहां कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाता। तो भला एक ऑटो में 27 लोगों को लाद कर चलने वाले इस ऑटो वाले को पुलिस कैसे छोड़ती? बिंदकी इलाके के ललौली चौराहे पर ही पुलिस ने ऑटो वाले को रोक लिया, और जब पुलिस ऑटो से लोगों को निकालने लगी तो जैसे लाइन लग गई, एक के बाद एक कुल 27 लोग इस छोटे से ऑटो से उतरे। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे। सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस वीडियो पर तंज मारते हुए लिखा, जनसंख्या विस्फोट का दुष्परिणाम, ऑटो एक और सवारी 27। बीजेपी नेता आनंद कालरा ने लिखा, ये वीडियो फतेहपुर का बताया जा रहा है। एक ऑटो रिक्शा में सवार थे ड्राइवर सहित 27 लोग। पुलिस ने एक एक करके बच्चों समेत 27 लोगों की गिनती की। घर से बकरीद की नमाज अदा करने गए थे ऑटो सवार। ट्विटर यूजर अमित सिंह ने लिखा, ड्राइवर का नाम भारत रत्न के लिए भेजना चाहिए। राज नाम के यूजर ने तंज मारते हुए लिखा, मुझे लगता है ये लोग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाना चाहते थे। यूपी की सड़कों पर एक ऑटो में 27 लोग सवार नजर आए तो सोशल मीडिया पर लोगों ने कुछ इसी तरह से मजे लिए। लेकिन जिस ऑटो ड्राइवर ने अपने ऑटो में 26 लोगों को बैठाया था, उस ऑटो वाले को इसके लिए बड़ी सजा भुगतनी पड़ी है, वो भी बकरीद के त्योहार के दिन, क्योंकि ट्रैफिक नियम तोड़ने की वजह से पुलिस ने उसका ऑटो ही सीज कर दिया। बहरहाल, एक ऑटो में 27 लोगों को बैठाने वाले इस ऑटो ड्राइवर के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।